दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने वेबकिट साइट का हेडर को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हेडर को चेंज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है lemmingtext.com। इसके बाद आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारा लोगो जो है आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए इंटर नेम और लोगो है, यहाँ पे अपना साइट का नाम एंट्री करना है। तो चलिए मैं एंट्री कर देता हूँ। अब आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पर। इसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग का लोगो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है और आपको जो लोगो पसंद आए आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोई भी लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, एडिट लोगो पे चले जाना है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज को भी जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और फॉन्ट को भी मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, जो आपको पसंद आए आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वाला फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का फॉन्ट जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आपको जाना है बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे आने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो लोगो है वो PNG फाइल में वो सेव हो जाएगी। तो अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। हम लोग का लोगो जो है बिल्कुल डाउनलोड हो चुका है। अब आपको जाना है न्यू टैब पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है इमोजर अपलोड। इसके बाद आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड इमेजेस है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज है, आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है फाइल पे। तो यहाँ पे आपने जो लोगो बनाई थी तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लोगो अपलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लोगो के ऊपर होल्ड क्लिक करना है। होल्ड क्लिक करने के बाद आपको करना है यहाँ से ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो हम लोग का इमेज जो है वो न्यू टैब पे ओपन हो जाएगी और इसका लिंक जो है आपको कॉपी करना है। तो चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको चले जाना है अपने वेबकिट साइट पे। तो मैं अपने वेबकिट साइट पे आ चुका हूँ और आपको चले जाना है पैनल मोड पे। पैनल मोड पे आने के बाद आपको जाना है हेडर पे। तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर है, आपको हेडर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है आइटम पे। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में जो ये HTML टैग है इसको हमको एडिट करना है। तो चलिए यहाँ पे ई पे क्लिक करेंगे, ये एडिट हो जाएगा। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोगो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, आपको उस पर टैप करना है और इस वाले को हटा देना है। अब देख लीजिए, इसके बाद आपको हमने जो लिंक कॉपी करी थी उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है एडिट पर। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के बाद आप चलो देख लेते हैं फ्रेंड्स व्यू करके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम लोग का लोगो जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा हो गया, तो चलिए मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइज जो है, आप जितना हाइट रख सकते हैं तो आप यहाँ पे आप साइज, अगर आप साइज बड़ा रखना चाहते हैं तो हाइट को आप थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। चलिए व्यू करके देख लेते हैं। तो हम लोग का लोगो जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप इसी प्रकार से आप अपने वेबपेज साइट का लोगो जो है चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.